फ्रेंड्स, मैं हूँ अमिता और आज हम बनाएंगे बीट पराठा। इसके लिए लगने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं, ये बॉईल किया हुआ बीट है, फिर ये धनिया है, हरा धनिया, जीरा, एक हरी मिर्च, एक है गार्लिक, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, और ये है बीट फ्लोर जो मैंने एक बाटी लिया था। और अब हमें क्या करना है, ये जो बीट हमने बॉईल कर लिया था उसे मुझे मिक्सर में जो हरा धनिया है, ये जो जीरा है, जीरा, हरी मिर्च और लहसुन हमें पीस के लेना है, और ये बीट के हमें उसके साथ डालना है। इसका कवर निकाल के बीट के छोटे छोटे क्यूब्स करके इसमें हम मिक्सी में ग्राइंड करके लेते हैं। देखिए, मैंने ये बीट है उसको जो बॉइल किया था अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देखिए इसका कितना अच्छा कलर आ गया पिंक। ये जो बीट जो है ये हमारे बच्चे ऐसे खाते नहीं हैं, और जो उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू है उन्हें मिलती नहीं है, इसलिए हम इस बीट को इस तरह से बीट का पराठा बना के दे सकते हैं, तो वो अच्छे से ब्रेकफास्ट में इसे खा सकते हैं। और इसमें जो हम धनिया, जीरा, लहसुन, हरी मिर्च डालते हैं, इससे इस पराठे का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। Thank you.
बॉटल लेके हम इसे फिर से बेल लेंगे। इस तरह से ये हमारा दूसरा पराठा भी रेडी है। इसे भी हम तवे पे डाल देंगे। गैस हाई फ्लेम पे रखी है। थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। तो हल्के से एक तरह से सेक जाएगा तो हम इसे कटी कर देंगे। देख सकते हैं इसका कलर भी कितना अच्छा आ रहा है। इसमें थोड़ा थोड़ा देखो कॉल जैसे सीख गई है थोड़ी सी, तो अब इसे पलटी कर लूँगी। यहाँ से ऑयल लगा लूँगी। पलटी कर लूंगी मैं। एक साइड से हो गया था, अभी दूसरी साइड से हो जाएगा। इस पराठे को हम दही के साथ सर्व कर सकते हैं, अचार के साथ सर्व कर सकते हैं। इसे बच्चे जरूर और ऐसे भी खाएंगे तो अच्छा ही लगता है बच्चों को। बनाने भी बहुत इजी और खाने में टेस्टी और न्यूट्रिशियस ये बीटरूट के पराठे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको अगर ये पसंद आए मेरी रेसिपी तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। देखिए जो थर्ड वाला पराठा था वो भी हो गया है। इसका कलर इतना प्यारा आता है। इसे मैं सर्व कर लूंगी। देखिए ये पराठे मैंने सर्व कर लिए हैं और ये पराठे हमारे अब रेडी है। इसको दही के साथ मैंने सर्व किया हुआ है। ये तीन पराठे हमारे रेडी है। कितने अच्छे लग रहे हैं आप देख सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए आप।